नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 394 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 9,618 पर पहुंच गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 109, अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 9, बांका में 2, बेगूसराय में 18, भागलपुर में 6, भोजपुर में 1, दरभंगा में 19, गया में 3, गोपालगंज में 6, जहानाबाद 3, कैमूर में 3, कटिहार में 16, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 3, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 18, नालंदा में 9, नवादा में 28, पश्चिम चंपारण में 25, पूर्वी चंपारण में 33, पूर्णिया में 5, रोहतास में 2, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 19, सारण में 4, शेखपुरा में 2, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 6, सुपौल में 1, वैशाली में 3 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ठीक होने वालों के आंकड़े में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कोविड-19 से 7,374 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक इससे 63 लोगों की जान जा चुकी है। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन हुई तैयार। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के तहत नई गाइडलाइन की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अनलॉक 2 की गाइडलाइन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के परामर्श लेने के बाद जारी की गई है, जिसमें राज्य संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय उसके विभाग भी शामिल है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक के दूसरे चरण में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज बंद रखे जाएंगे। वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की भांति ही सब कुछ बंद रहेगा। सीमित संख्या में घरेलू उड़ान और सवारी ट्रेन की अनुमति दी गई है। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की ओर ले जाने को लेकर भी रात में छूट दी जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मिले कोविड-19 के मामले। बिहार में कोविड-19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन 394 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर रिकॉर्ड तोड़ 109 मामले की पुष्टि की गई है। विधान परिषद के सभी 9 प्रत्याशी चुने गए निर्विरोध। विधान परिषद के सभी 9 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया है। इतना ही नहीं, सभी प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट भी सौंप दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार बीते दिन नाम वापसी का आखिरी दिन था। समय सीमा खत्म होते ही सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत जदयू की ओर से गुलाम गौस, भीष्म सहनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा चुने गए। उसके बाद भाजपा की तरफ से संजय मयूख और सम्राट चौधरी और राजद की तरफ से फारूक शेख, सुनील कुमार सिंह और रामबलि सिंह। वहीं कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर समीर कुमार सिंह को निर्विरोध चुन लिया गया है। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा होगी 23 अगस्त को। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीख का नया ऐलान जारी कर दिया है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 23 अगस्त 2020 को 2 शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी। पहले यह परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित करवाई जानी थी, मगर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण इस परीक्षा को आगे स्थगित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, परीक्षा के आयोजन को लेकर के आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का फिर से निर्धारण करना शुरू कर दिया है। बिहार के एक आंगनबाड़ी केंद्र में दीवार पर LED टीवी और है मॉड्यूलर किचन। शहरों के कई प्ले स्कूल को देखकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब छात्र की ऐसी ही स्कूल में पढ़ने की इच्छा हमेशा से देखने को मिलती थी, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन उनकी शिक्षा को अब सरकार पूरी तरीके से पूरा कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने पटना जिले के बाढ़ और अथमलगोला में मॉडल आंगनबाड़ी के तौर पर 5 केंद्रों को अपग्रेड किया है। इसमें नया लुक दिया गया है। खबरों की माने तो इन स्कूल में दीवार पर एक से बढ़कर एक चित्रकारी और ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं, जिसकी तस्वीर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने ट्वीट की है। रामा सिंह की एंट्री पर फिलहाल लगी रोक। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के नाराजगी के बाद राजद सकते में आ गई है, जिसके बाद फिलहाल रामा सिंह की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जानकारों की माने तो लोजपा छोड़कर राजद में आने की इच्छा रखने वाले रामा सिंह को बीते दिन अध्यक्षता दिलवाई जानी थी, मगर आनंद फानन में इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इनकी एंट्री को लेकर के रघुवंश प्रसाद सिंह काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ने तक का फैसला लिया था। हालांकि पार्टी के आलाकमान की तरफ से उनके इस्तीफे को कैंसिल कर दिया गया था। बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार को घेरने के लिए बीते दिन कांग्रेस के सभी नेता सड़कों पर दिखाई दिए हैं। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। कई कार्यकर्ता तो घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी पर सवार होकर नजर आए थे, तो वहीं कई नेताओं ने साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही वृद्धि का विरोध किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कांग्रेस के इन सभी नेताओं ने बोरिंग रोड से डाक बंगला तक साइकिल चलाकर अपना विरोध दर्शाया है।
नाना पाटेकर ने सुशांत सिंह राजपूत के बिना बॉलीवुड को बताया अधूरा। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उनसे मिलने के बाद बीते दिन बिहार के भोजपुर जिले में सीआरपीएफ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम समारोह में पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के बिना फिल्मी जगत अधूरा सा लगने लगा है। जवानों से रूबरू होते हुए नाना पाटेकर ने कहा कि सुशांत के बिना जिंदगी अधूरी महसूस हो रही है। अभी 30 साल का ही तो था उसका बॉलीवुड का सफर, लेकिन क्या हो गया कि उसने ऐसा कदम उठा लिया, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वह एक मझा हुआ कलाकार था, ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेटा खो दिया हो। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिना चुनाव कराए मुख्यमंत्री घोषित करने की उठी मांग। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिना चुनाव के लिए अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग जोर शोर से सुनाई दे रही है। खबरों की माने तो पटना के युवा वर्ग के लोगों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर चुनाव कैंसिल किया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा को कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए स्थगित कर दिया गया, वैसे ही विधानसभा चुनाव को भी कैंसिल कराया जाए। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार को जल्द से जल्द टिड्डी मुक्त करने का किया दावा। अन्य राज्यों से निकलते हुए टिड्डियों का दल अब बिहार के कई जिलों में पहुंच चुका है। अधिकारियों के अनुसार रोहतास, गोपालगंज और बक्सर के बाद अब टिड्डी दल को पटना जिले में के सोन नदी के तटीय गांव में भी देखा गया है। वहां से होते हुए टिड्डी दल ने जहानाबाद की तरफ रुख किया है, जिसको लेकर कृषि विभाग ने अरवल और जहानाबाद में सतर्कता जारी कर दी है। वहीं इस पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि टिड्डियों के दल से फसलों को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने का किया दावा। सूचना सचिव अनुपम कुमार ने बीते दिन सरकार की तरफ से कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी विस्तार हुआ है और टेस्टिंग क्षमता को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता मुहिम की शुरुआत भी कर दी गई है। एनडीए में नहीं है सब कुछ ठीक। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में तकरार की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, जहां बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने लोजपा सुप्रीमो जमुई से सांसद चिराग पासवान से मुलाकात की है। खबरों की माने तो दिल्ली में लगातार चिराग पासवान के रुख से एनडीए के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान आए दिन बिहार सरकार को निशाने पर भी लेते नजर आए हैं। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अलग अलग मुद्दों पर लेकर चिट्ठी भी जारी की है। महीनों बाद सचिवालय दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महीनों बाद अपने सरकारी बंगले एक अन्य मार्ग से मुख्य सचिवालय अपने दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ एक बैठक में भी शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद दिखे। अधिकारियों के अनुसार बैठक मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के पद को लेकर बुलाई गई थी, क्योंकि बीते कई महीनों से बिहार मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष की पद खाली है। सरकारी नियमानुसार इस पद की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और नेता प्रतिपक्ष को बैठक कर निर्णय लेना होता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पप्पू यादव का दिखा अनोखा विरोध। बीते दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी भी सड़कों पर उतरी थी, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध प्रकट किया है। पप्पू यादव ने टमटम पर चढ़कर अपनी आवाज से डाक बंगला चौराहा पहुंचकर अपना विरोध दिखाया। इस दौरान पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद दिखे। राजद ने की बिहार में कोविड-19 की जांच बढ़ाए जाने की मांग। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीते दिन बिहार सरकार पर टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर कहा कि यह बिल्कुल सही बात है कि बिहार में अगर ईमानदारी से कोविड-19 की जांच करवाई जाए तो बिहार में 1 लाख से अधिक संक्रमित लोग पाए जाएंगे। बिहार में जांच को लेकर के कोई विशेष व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। रैंडम सैंपलिंग का क्या इंतजाम है? सरकारी अस्पताल अब बेदम साबित क्यों हो रही? और सरकार को अब जनता से मतलब है भी या नहीं? इस बात का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। बीते दिन एक बार फिर से हुआ सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार में एक बार फिर से बीते दिन सरकारी अधिकारियों का तबादला किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में अधिकारियों का तबादला किया गया है। SC/ST कल्याण विभाग में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत SC/ST कल्याण विभाग में 44 कल्याण विभाग सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिसके उपनिदेशक जिला कल्याण पदाधिकारी का नाम शामिल है।
शेखर सुमन पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के घर। बिहार से निकले अभिनेता शेखर सुमन सुशांत सिंह राजपूत के पटना के राजीव नगर आवास पर उनके पिता से मिलने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने परिवार को ऐसे वक्त में हिम्मत के साथ काम लेने की अपील की है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का भी भरोसा दिलाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में गैंगिज्म बहुत बड़ी परेशानी है। उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों की जिंदगी बनाई जाती है और बिगाड़ी भी जाती है। कोई भी लोग अपना सिंहासन नहीं छोड़ना चाहते और यही कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत इसकी चपेट में आ गए। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। भारत में 59 चाइनीज ऐप को किया गया बंद। भारत में 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट आदि ऐप्स के अलावा हेलो लाइक, कैम स्कैनर और शीन का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, डीओ बैटरी स्कैनर भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, इन चाइनीज ऐप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके बाद से ही चीन और उसके प्रोडक्ट समेत सभी ऐप्स को लेकर भारत के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। मास्क के जरिए अब होगा चुनाव प्रचार। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव में मास्क लगाना सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अब इस मास्क की मदद आगामी विधानसभा चुनाव में भी ली जाएगी। सभी पार्टियों के चिन्ह वाले मास्क नजर आएंगे। इस तरह के मास्क के बाजार में उतरने की तैयारी की जा रही है। निर्माताओं को बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे मास्क का नमूना लेकर टीम जगह जगह घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह वाले मास्क बांटकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। पिछले 4 महीने से वैसे तो बहुत सारे मास्क देखने को मिल रहे हैं, मगर अब राजनीति में भी मास्क का इस्तेमाल काफी नया है। तेजस्वी यादव ने पेट्रोल डीजल के दाम में अगर कमी नहीं हुई तो साइकिल चलाने का किया दावा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर विपक्षी दलों द्वारा पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीते दिन सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम भी छेड़ दी है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सरकार अगर कीमत में कोई कमी नहीं करती है तो 5 जुलाई को पूरे बिहार में इसके खिलाफ साइकिल मुहिम चलाया जाएगा, जिसके तहत 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के लोग पंचायत ब्लॉक प्रमंडल तक पूरे बिहार में 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस पर की टिप्पणी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन एक बार फिर से राजद और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद कांग्रेस ने हमेशा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को धोखा देने, दबाने, जमीन हड़पने और परेशान करने का काम किया है। 1953 में भी पिछड़े वर्ग के लिए गठित काका कालेकार कमेटी की 1955 की आय रिपोर्ट को 45 वर्षों तक दबा दिया गया। न वर्ग आयोग का गठन हुआ, न ही सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण दिया गया। जनता पार्टी की सरकार में 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया। तेजस्वी यादव ने सत्ता से बाहर होने के कारण को माना। तेजस्वी यादव ने अब जाकर के अपनी पार्टी की गलतियों को माना है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद सत्ता से अभी बाहर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। उसी गलती के कारण राजद सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन पिछले 15 सालों में बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार है। आखिर 15 साल में बिहार के इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ, यह सवाल प्रदेश का हर नागरिक पूछ रहा है। इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने बाढ़, कोविड-19 के बढ़ते मामले और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अप्रिय वाक्य को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। ब्रावो ने धोनी के गाने का टीजर किया रिलीज। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ टीम में खेलने वाले ब्रावो ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए उनके जन्मदिन पर ही गाना रिलीज करने का ऐलान जारी किया था, जिसका टीजर उन्होंने बीते दिन जारी कर दिया है, जिस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ब्रावो ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि क्या आप 7 जुलाई के लिए तैयार है, हम इस दिन माही का जन्मदिन खास स्टाइल में स्पेशल गाने के साथ मनाने जा रहे हैं। ब्रावो के इस वीडियो को सुरेश रैना और टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भी लाइक किया है। गूगल मीट ने अपने फीचर में किया बदलाव। गूगल अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल मीट में नए फीचर को जोड़ने का ऐलान जारी कर दिया है। कंपनी यूजर के लिए नए फीचर में वीडियो कॉलिंग के दौरान नया एक्सपीरियंस देने वाली है। कोविड-19 के चलते ज्यादातर लोग अपने ऑफिस का काम घर से ही कर रहे हैं, ऐसे में कंपनी इसी का ध्यान रखते हुए अपने एप्लीकेशन में कई नए फीचर्स को जोड़ना चाहती है, जिससे यूजर को अधिक फायदा मिले। जिसके तहत एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ब्लर, लो लाइट मोड और बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट इमेज जैसे नए फीचर शामिल करने जा रही है, जिससे वीडियो कॉलिंग में गूगल की लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बलराम, सागर कुमार, पंकज कुमार, मनिक चंद्र कुमार, मोनू पासवान, लालू यादव, शशि भूषण, पप्पू कुमार, विनोद कुमार, सुनील कुमार, प्रदीप यादव, रूपेश रूपमानी, मनीष कुमार, रोहित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है।
भारत की तरफ से चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला देश हित के लिए कितना सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।